कैसे हैं तमाम भाई गैंग, उम्मीद करता हूं आप तमाम लोगों के मजे में एंजॉय करेंगे मेरे ब्लॉग्स को, जुड़े होंगे मेरे चैनल के साथ। आज की वीडियो में बहुत कुछ, आज मैं एक डेमो जॉब अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशंस के अंदर अपने कंट्रीज में बैठे हुए जॉब को अप्लाई कर सकते हो, और कौन कौन सी वो रिसोर्सेज हैं जिनको यूज़ करते हुए आप ये भी चेक कर सकते हो कि यार ये जो मेरा एम्प्लॉयर है ये एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर है, न्यूजीलैंड के अंदर रजिस्टर्ड है, उसका लाइसेंस वैलिड है, और वो कौन कौन से ग्रीन लिस्ट रोल्स हैं जिनके ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूं, और इसके अलावा जितने भी एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर्स हैं उनकी लिस्ट, उनकी डेटाबेस आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो स्टे ट्यून टू माई चैनल, कीप वॉचिंग खालिद भाई, और चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो भाइयों, अभी मैं seek.co.nz पर हूँ। जो seek.co.nz वेबसाइट है ये मोस्ट क्रेडिबल वेबसाइट है, जहाँ पे आप अपनी जॉब्स को सर्च कर सकते हो न्यूजीलैंड के अंदर, और यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स अवेलेबल होती हैं। जिस तरह के मैं कंस्ट्रक्शन की जॉब को सर्च करना चाहता हूँ, तो मैंने कीवर्ड डाल दिया है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन की जॉब्स को देखते हैं कि यार कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो ये सारी लिस्टिंग्स अवेलेबल हैं यार कि कितनी जॉब्स इस वक्त अवेलेबल हैं न्यूजीलैंड में, अक्रॉस ऑल द सिटीज़ ऑफ न्यूजीलैंड। तो इसके अंदर अगर आपकी कोई भी सूटेबल जॉब है जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि यार एम्प्लॉयर जो है वो वर्क वीज़ा स्पॉन्सर करेगा, वो एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर भी है और उसको रिक्वायरमेंट भी है, तो आप उस जॉब को सर्च करोगे। फॉर एग्जांपल, मैंने इस कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जॉब को सर्च किया है, और मैंने देखा है कि यार कंस्ट्रक्शन मैनेजर चाहिए इस कंपनी के अंदर। थ्री डेज अगो ये जॉब पब्लिश हुई है, और इसमें तमाम जॉब डिस्क्रिप्शन स्टेटेड है कि रोल किस किस्म का है, उसके लिए क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या स्किल्स और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और इसके अलावा तमाम इन्फॉर्मेशन जो इस जॉब के लिए रेलेवेंट है वो सारी गिवन है। अब मुझे करना ये है कि मैंने इस जॉब को सर्च करना है कि यार ये वाली जो जॉब एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉयर ये जॉब दे रहा है, वेदर इट इज़ अ एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर और नॉट। तो मैं इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट पर चला गया हूँ, और मैं चेक कर रहा हूँ कि वेदर दिस एम्प्लॉयर इज़ एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर, और ही कैन स्पॉन्सर माई जॉब वीज़ा और नॉट, और ही कैन हेल्प मी इन ऑल द वीज़ा प्रोसेसेस और नॉट। तो मैंने ब्रोसनैन जो कंपनी है उसको सर्च किया, और मुझे ब्रोसनैन कंस्ट्रक्शंस की तमाम लिस्टिंग अवेलेबल है यहाँ पे, उसका न्यूजीलैंड बिजनेस नंबर, ट्रेडिंग नेम और तमाम डिटेल्स, और उसका एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर का जो लाइसेंस है वो कब तक वैलिड है, वो उस तमाम इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि यार ये एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर है। अब मैंने जो मेरे पास लिस्ट है जिसके अंदर तमाम कंपनीज जो कि एग्रीगेटेड कंपनीज हैं इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के साथ, और उसकी लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है, इस लिस्ट में मैंने इसको सर्च किया कि यार ब्रोसनैन कंपनी जो है ये वेदर इट इज़ लिस्टेड अमंग दिस लिस्ट और नॉट, और ये लिस्ट अपडेट हुई है 6 मार्च 2023 को। तो मैंने ब्रोसनैन को सर्च किया और मैंने देखा कि यार ये इस लिस्ट में भी अवेलेबल है। अब मुझे 100% ये श्योरिटी है कि ये एम्प्लॉयर एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर है, एंड ही कैन वर्क आउट माई वीज़ा प्रोसेस एज वेल इफ़ ही हैज़ अ सूटेबल रोल फॉर मी। अब ये जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जॉब है इसको मैंने अप्लाई किया seek.co.nz के ऊपर। तो यार अभी मैं आ गया हूँ seek.co.nz के ऊपर, और इस जॉब को अप्लाई करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको seek.co.nz पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के साथ इस जॉब साइट के ऊपर लॉगिन कर लोगे, और लॉगिन करने के बाद इस जॉब को अप्लाई करोगे। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो भाइयों, मैं इस रोल को अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैंने अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाला है, और मैं अपनी प्रोफाइल के अंदर आ गया हूँ। ये मुझे पूछ रहा है कि कौन सा सीवी आपने इस एम्प्लॉयर को सेंड करना है, और रिकवर लेटर आप अगर डालना चाहते हो रिकवर लेटर डिटेल्स में अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डाल के, कि आप अपनी यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हो, और उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे यहाँ पर, और कंटिन्यू करने के बाद आप नेक्स्ट स्क्रीन पर चले जाओगे, जहाँ पर आपको पूछेगा कि यार आपके पास वर्किंग राइट्स हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन हैं कि मैं सिटीज़न हूँ, मैं PR होल्डर हूँ, मेरे पास वर्क वीज़ा है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन भी होगी जिसमें लिखा होगा कि आपको जॉब ऑफर चाहिए और यू नीड अ स्पॉन्सरशिप टू गेट दैट जॉब। तो उस अप्रोप्रिएट सिलेक्शन को आप सेलेक्ट कर लोगे, जो कि एम्प्लॉयर को बताएगा कि यार आपकी जॉब वीज़ा आपको रिक्वायर्ड होगा, और बीइंग एन एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर ही कैन हेल्प यू आउट इन एक्वायरिंग दैट वीज़ा। तो इस कॉम्बो बॉक्स में अगर आप जाओ तो आपके पास ये वाली ऑप्शन है, आई रिक्वायर स्पॉन्सरशिप और अ करंट जॉब ऑफर। उसके बाद अपनी आप एजुकेशन हिस्ट्री, कैरियर हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन करोगे, और देखोगे, रिव्यू करोगे कि आपकी एजुकेशन और कैरियर हिस्ट्री सारी ठीक
ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्क्रीन पर चले जाओगे कंटिन्यू प्रेस करने के बाद, और वो आपको बताएगा कि यार डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से इंक्लूड किए हैं और आपने एम्प्लॉयर्स के क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है, और जब आप इसको सेटिस्फैक्ट्री समझो तो इसको आप अप्लाई कर दोगे। उसके बाद ये वाला डेटाबेस है, इसमें 360 पेजेस का ये मेरे ख्याल में एक लिस्टिंग अवेलेबल है जिसमें तमाम एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट मौजूद है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, आप यहाँ से अपनी सूटेबल जॉब को सर्च कर सकते हो, सूटेबल एम्प्लॉयर को सर्च करते हो। फॉर एग्जांपल एजुकेशन कंस्ट्रक्शन के कीवर्ड्स डाल के सर्च करो तो आपको सारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनीज, एजुकेशन से रिलेटेड कंपनीज, आईटी से रिलेटेड कंपनीज, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपनीज यहाँ पे मिल जाएंगी। उनकी वेबसाइट पर गूगल करो, उनके यहाँ से आप जब उसका नाम उठा लोगे तो उसको गूगल करोगे तो आप उसकी वेबसाइट पर पहुँच जाओगे, और वहाँ पर कैरियर्स पर जाके वहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी जॉब्स ओपनिंग्स अवेलेबल हैं रिस्पेक्टिव कंपनीज़ के अंदर। और seek.co.nz पर भी अगर आप ये कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम डालोगे तो आपको उससे रिलेवेंट तमाम जॉब लिस्टिंग अवेलेबल होगी seek.co.nz पर भी, और उसके बाद आप अपनी जॉब्स को अप्लाई करना शुरू कर दोगे। एटलीस्ट आपको 30-40 डेज ये काम करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई रिस्पॉन्स। अब बात कर लेते हैं यार ग्रीन लिस्ट की। व्हाट इज़ अ ग्रीन लिस्ट? ग्रीन लिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस जिसमें स्किल शॉर्टेज मौजूद है न्यूजीलैंड में, और आप टीयर वन और टीयर टू टू कैटेगरीज के अंदर ग्रीन लिस्ट रोल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो टू गेट अ जॉब ऑफर और अ जॉब इन न्यूजीलैंड। और ग्रीन लिस्ट में टीयर वन रोल्स आपको क्वालिफाई करवाते हैं स्ट्रेट टू रेजिडेंस पाथ के ऊपर, कि आप जल्दी से जल्द अज जल्द आफ्टर सिक्योरिंग योर जॉब आप रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और टीयर टू कैटेगरी वो होती है जिसमें आप जॉब सर्च वीज़ा ले सकते हो 2 साल का, और 2 साल के बाद आप रेजिडेंस पाथवे को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप अपना रोल यहाँ पे इंडस्ट्री को सेलेक्ट करो, और इंडस्ट्री को सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यार कौन कौन से ऑक्यूपेशन अवेलेबल हैं। जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे बिजनेस प्रोफेशनल्स को सेलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पे 2 रोल्स नज़र आ रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर, जो कि टीयर वन रोल्स हैं, विच मीन्स कि यू कैन क्वालिफाई आफ्टर गेटिंग अ जॉब ऑफर इन दीज रोल्स टू गेट अ स्ट्रेट पाथ टू रेजिडेंस। और इसके अलावा जो है टीयर टू पाथ्स भी होते हैं जिसमें आप 2 साल का जॉब सर्च वीज़ा लेकर आते हो, और 2 साल के बाद आप स्टेट टू रेजिडेंस वाले पाथ के ऊपर जा सकते हो आफ्टर गेटिंग 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन न्यूजीलैंड। और ये जिस तरह के IT के प्रोफेशन हैं, एनालिस्ट प्रोग्रामर हैं, ये भी टीयर वन में आते हैं, आप स्टेट टू रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हो आफ्टर गेटिंग अ जॉब और अ जॉब ऑफर इन दीज स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन और रोल्स। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है, इट शुड बी योर सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ टू डिगिंग डाउन ऑल दैट इन्फॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर टू अप्लाई फॉर द रोल्स टू गेट अ जॉब और अ जॉब ऑफर। यहाँ पे टीयर वन और टीयर टू रोल्स की लिस्टिंग अवेलेबल है, अपने सूटेबल रोल को देखो यहाँ पे और चेक करो खुद से कि यार आप कौन से सूटेबल रोल के अंदर फॉल इन करते हो, और वो टीयर वन में आता है या टीयर टू में आता है। अगर वो टीयर वन में आता है तो स्टेट टू रेजिडेंस पाथवे आपके लिए ओपन है, और अगर वो टीयर टू में आता है स्टिल अ पाथवे इज अवेलेबल फॉर यू, बट यू हैव टू वर्क 2 ईयर्स इन न्यूजीलैंड टू एक्वायर स्टेट टू रेजिडेंस पाथवे आफ्टर डैट। तो उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप नर्सिंग को सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप डॉक्टरी जनरल प्रैक्टिशनर को सेलेक्ट कर सकते हो, और इसके अलावा आप एजुकेशन में देख सकते हो, IT में देख सकते हो, बिजनेस में देख सकते हो, तो बहुत से रोल्स अवेलेबल हैं। आपने सिर्फ डिग डाउन करनी है अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को, और उसके बाद उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। तो उम्मीद है जनाब आपको ये तमाम प्रोसेस समझ आ गया होगा, और आपको ये हेल्पफुल रहेगा अपनी जॉब सर्च को करते हुए और अपने रोल्स को आइडेंटिफाई करते हुए। जी तो भाई उम्मीद है आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अप्लाई करो इसी तरीके को और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, और कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, मुझे ईमेल करना ना मत भूलिएगा। आई शैल गेट बैक टू यू एज सून एज आई कुड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।